हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी पकौड़ा। कढ़ी पकौड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन। इससे मैं पकौड़ा तैयार करूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर, जीरा मिर्च पाउडर, गरम मसाला, नमक। इसमें मैं डालूँगी 1 पिंच बेकिंग सोडा। इसमें मैं धीरे धीरे पानी डाल के इसे फेंट लूँगी। मैंने इसे फेंट लिया है। इसका मैं पकौड़ा तलूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे तल लेंगे। फ्रेंड्स, मेरा कढ़ी पकौड़ा तैयार हो चुका है। मैं तैयार करूंगी कढ़ी का घोल। कढ़ी का घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप बेसन, 1 कप दही। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। फ्रेंड्स, बाउल में जितना पानी आएगा मैं उसमें डाल दूंगी। मैंने पानी डाल दिया है। डालूंगी राई, ग्रेट किया हुआ अदरक, ग्रेट किया हुआ लहसुन, कड़ी पत्ता। अब मैं इसमें डालूंगी हींग, हल्दी। अब मैं इसमें घोल को डाल दूंगी। इसमें और पानी ऐड करूंगी। हम इसके उबलने तक इसे चलाएंगे। डालूंगी नमक। कड़ी उबलने लगी है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पकौड़ा। फ्रेंड्स, मेरी कड़ी पक चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी धनिया। धनिया ऐड करके मैं गैस ऑफ कर दूंगी। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 कलछी। कलछी में मैंने डाला तेल। तेल में डालूंगी लाल मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी हींग, लाल मिर्च पाउडर। अब मैं कढ़ी में लगा दूंगी तड़का। देखिए कितना टेस्टी, कितना यम्मी दिख रहा है। लीजिए फ्रेंड्स, मेरा कढ़ी पकौड़ा रेडी है। देखिए कितना टेस्टी, कितना यम्मी दिख रहा है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें, ये बहुत यम्मी बनता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए और ऐसी ही यम्मी एंड टेस्टी रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।